समय शुरू होता है अब। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग आज इसलिए एकत्र हुए हैं कि विशेष आवश्यकता आन पड़ी है। आप सारी स्थितियां और हाल की घटनाएं जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या हुआ है। यह भारत पर चीनी हमला है और यह किसी विशेष सीमावर्ती क्षेत्र में छेड़छाड़ से बहुत अधिक है। नेफा में सितंबर अक्टूबर में और विशेषकर 20 अक्टूबर से जो कुछ हुआ है वह सीमावर्ती झड़पों से गुणवत्ता और मात्रात्मक दृष्टि से बिल्कुल अलग है। यह भारत पर हमला है, जो कुछ हुआ है उससे भारत इतिहास में वस्तुतः एक नया मोड़ आया है। हम इतिहास के चौराहे पर खड़े हैं और हमारे सामने बड़ी बड़ी ऐतिहासिक समस्याएं हैं जिन पर हमारा भविष्य निर्भर है। इसलिए हम चाहे बड़े आदमी हो या छोटे, हमें बड़े आदमियों का काम करना है, क्योंकि बड़े आदमी ही दिमाग में दृष्टि से और पक्के इरादे से बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। पहली बात जो मैं जोर देकर आपसे कहना चाहूँगा वह यह है कि आज जो कुछ हुआ है उसकी असाधारण प्रवृत्ति को समझे। इसने हमारे समूचे राष्ट्रीय दृष्टिकोण और इतिहास को बदल दिया है और बदलेगी। यदि हमें इसका समुचित सामना करना है, जो करने का हमारा पूरा पूरा इरादा है, तो यह हमें बड़े ढंग से सोचना होगा। हमें अपनी उन बहुत सी समस्याओं को भूल जाना होगा जो हमारे पीछे खड़ी रहती है और इस बड़ी समस्या को देखना होगा जो हम सबके सामने है। हो सकता है और कुछ संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि ऐसा होगा कि बड़ी समस्याओं को हल करते समय हम स्वयं ही अपनी बहुत सी छोटी छोटी समस्याओं, विवादों, झगड़ों आदि को सुलझा लें। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट है कि बड़ी समस्या को हल करने में राष्ट्र को अत्यधिक प्रयास करना पड़ेगा और हम जैसे जो लोग परिस्थितिवश सरकार में हैं, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में, उन पर भारी जिम्मेदारी है जो हम सबको मिलकर उठानी है। चीनी हमला हुआ जैसे गाज गिरी हो और भारत में इसकी प्रतिक्रिया भी बिजली की तरह हुई है। सारे देश में सब वर्गों, सब क्षेत्रों के लोगों की प्रतिक्रिया बहुत शानदार और आश्चर्यजनक हुई है। बहुत सी समस्याएं और संघर्ष जिनसे हमारे अखबार भरे रहते हैं, पुरानी बात हो गई।